वहीं टीकमगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश यूपी बॉर्डर पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक के पास से 9,43,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने युवक को भी हिरासत में लिया। युवक यूपी के ललितपुर जिले के महरौनी कस्बे का रहने वाला है। पुलिस ने उस वक्त युवक को पकड़ा जब वो अपनी बाइक से टीकमगढ़ जिले से यूपी के बानपुर गांव की तरफ जा रहा था। पुलिस ने जब युवक से रकम के बारे में पूछा तो युवक कुछ भी नहीं बता पाया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो ललितपुर में एक दुकान में काम करता है। फिलहाल संदिग्ध मामले को देखते हुए पुलिस ने रकम को जब्त कर लिया, साथ ही युवक को हिरासत में ले लिया। जो हमारे अंतरराज्यीय नाके हैं, जैसे बानपुर नाका एवं खरिया नाका, वो सतत रूप 24 घंटे से वहाँ पुलिस और एसएसटी टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही है। आज उसी चेकिंग के दौरान लगभग 4:30 बजे के आसपास रहीस पिता इमाम खां, निवासी महरौनी जिला ललितपुर, जो मोटरसाइकिल पर सवार थे, उनकी चेकिंग के दौरान उनसे 9,43,900 रुपये संदिग्ध अवस्था में जब्त किए गए हैं।